Hello everyone, once again welcome to our channel Maxwell Study Hub. So अब तक हमने लेक्चर वन में जस्ट हमने टॉपिक स्टार्ट किया था हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5, ठीक है, दैट इज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, जहां हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि वेजिटेशन क्या होता है और वाइल्ड लाइफ क्या है. सो अब हम हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंगली हम ब्राजील के वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, देखेंगे हम कि ब्राजील के वेजिटेशंस क्या है, कैसे हैं. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ब्राजीलियन वेजिटेशंस, ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ब्राजीलियन वाइल्ड लाइफ, और उसी को हम कंपेयर करेंगे हमारे इंडियन वेजिटेशंस एंड इंडियन वाइल्ड लाइफ के साथ. सो स्टार्ट करते हैं हमारा जो कंसेप्ट है ब्राजीलियन वेजिटेशन, ठीक है, ब्राजील वेजिटेशन, जो ऐसे वेजिटेशन जो ब्राजील में कैसे बाइफर्केट किए गए हैं, कैसे क्लासिफाई किए गए हैं, कौन से स्पीसीज देखने ज्यादा मिलते हैं, वो हम इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं. ठीक है, तो इन ब्राजील रेनफॉल वैरीज ड्यू टू फिजियोग्राफी. In most parts of the equatorial region, it rains throughout the year. ठीक है, ब्राजील की बात की है. सबसे पहले रेनफॉल, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एनी वेजिटेशन, हर वेजिटेशन के लिए रेनफॉल होना और पानी का होना, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसलिए यहां पर जो सबसे पहले जो वर्ड यहां पर जो डिस्क्राइब किया है वो ब्राजील के रेनफॉल्स को लेकर डिस्क्राइब किया है. ठीक है, तो ब्राजील के अगर सीजन की बात करते हैं, जैसे आपने प्रीवियस क्लास में ब्राजील के सीजन के बारे में बात किया, स्टडी किया चैप्टर नंबर 4 में. सो आपने देखा कि बहुत सारे फिजियोग्राफी की वजह से क्लाइमेट पे भी बहुत सारा असर पड़ता है. ठीक है, सो रेनफॉल होने की वजह से, ब्राजील के जो रेनफॉल की वजह से, इक्वेटोरियल रीजन की वजह से काफी, मतलब थ्रू आउट द ईयर वहां पर रेनफॉल चालू ही रहता है. ठीक है, होता ही है. सो ये रेनफॉल होगा, जितना अच्छा रेनफॉल होगा वेजिटेशन में भी उतना ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, सो दिस इफेक्ट द लाइफ साइकिल ऑफ द वेजिटेशन टू. ठीक है, और रेनफॉल की वजह से वेजिटेशन भी क्या हो रहा है वहां के, काफी ज्यादा इंप्रूव होने चालू हो गए. ठीक है, बिकॉज वेजिटेशन के लिए सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अगेन रेनफॉल. Then, evergreen forests are found in those area where it rains throughout the year. ठीक है, जहां पर हर वक्त, यानी हर पर्टिकुलर सीजन में जहां पर सबसे ज्यादा बरसात होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, वहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने मिलेगा. ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि थ्रू आउट द ईयर वहां पर रेन हो रहा है, जिसके वजह से वो हमेशा एवरग्रीन रहेगा, कभी भी सूखापन नहीं होगा वहां पर. सो वहां के जो फॉरेस्ट होते हैं वो एवरग्रीन मोस्टली फाउंड होते हैं ब्राजील में. The region which receives rainfall only during the certain seasons, density of the vegetation is reduces. और कुछ particular Brazil के ऐसे भी part है जहां पर जो precipitation है, rainfall है, वो इतना ज्यादा नहीं होता. ठीक है, वो evergreen नहीं होता. So उस particular जगह पर जो vegetation है वो भी कैसे है, कम है. Density कैसी है, vegetation की कम है. और जिस particular जगह पर काफी अच्छा rainfall है वहां पर density काफी अच्छा है, वहां particular region बरसात काफी अच्छे से होती है. ठीक है, इसलिए वो एवरग्रीन भी है. देन इंस्टेड ऑफ फॉरेस्ट, वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रासेस, शॉर्ट स्क्रब्स, ठीक है, थ्रॉनी वेजिटेशन एक्सेट्रा आर फाउंड. ठीक है, वहां पर कुछ पर्टिकुलर जगह पर, जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट पे तो वेजिटेशन अच्छे होंगे ही, बट जिन पर्टिकुलर एरिया पर रेनफॉल अच्छा नहीं है वहां के वेजिटेशन के, वहां पर ग्रासेस मिलते हैं. ठीक है, पाए जाते हैं. ग्रासेस के बदले वहां पर शॉर्ट स्क्रब्स पाए जाते हैं. ठीक है, सॉरी, ग्रासेस नहीं, यहां पर देखो कैसा लिखा है, इंस्टेड ऑफ फॉरेस्ट. ठीक है, अच्छा, फॉरेस्ट के बदले, ठीक है, फॉरेस्ट होने के बदले वहां पर क्या क्या पाए जाएंगे, छोटे छोटे ग्रासेस आपको मिलेंगे वहां पे, शॉर्ट स्क्रब्स दिखेगा, थॉर्नी वेजिटेशन. थॉर्नी वेजिटेशन इज नथिंग बट ऐसे झाड़, ऐसे प्लांट्स जो जिनके थॉर्न्स हो, यानी कि जो बोलते हैं ना कांटे, कांटे हो. ठीक है, वैसे जैसे कैक्टस एक आ जाता है थॉर्नी वेजिटेशन में, आप यहां पर इमेज देख सकते हो. देखो ये थॉर्नी वेजिटेशन का इमेज है. ठीक है, ग्रासेस, ठीक है, स्क्रब. ओके, सो ये आपको ज्यादा करके जो सेंट्रल पार्ट है, जहां पर जो पर्टिकुलर रीजन ब्राजील में जहां पर वेजिटेशन अच्छा, सॉरी, रेनफॉल अच्छा नहीं है, वहां का वेजिटेशन उतना डेंस नहीं है, वहां पर ये ग्रासेस और आपको कैक्टस वगैरह जैसे थॉर्नी वेजिटेशन आपको देखने मिलेंगे.
ठीक है. सो देन आगे कंटिन्यू करते हैं. ब्राजील हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ वेजिटेशन स्पीसीज इन द वर्ल्ड. ठीक है, सबसे ज्यादा जो वेजिटेशन स्पीसीज है वो देखने मिलते हैं. स्पीसीज यानी कि एक पर्टिकुलर बोलते हैं ना कि हम ग्रुप में उसको क्लासिफाई करते हैं. जैसे ह्यूमन एक स्पीसीज है, फिश एक स्पीसीज है. ठीक है, हर एक पर्टिकुलर का एक अपना अपना एक स्पीसीज है. तो वेजिटेशन एक खुद ही एक स्पीसीज है. स्पीसीज इज नथिंग बट अ किंगडम. ठीक है, सो यहाँ पर ब्राजील एज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वेजिटेशन, सबसे ज्यादा यहाँ पर वेजिटेशन पाए जाते हैं. और स्पीसीज यानी कि वेरिएशन काफी ज्यादा है यहाँ पर. ठीक है, दिस इंक्लूड्स एवरग्रीन वेजिटेशन, जहां पर अच्छा ज्यादा प्रेसिपिटेशन है, बहुत अच्छा प्रेसिपिटेशन है वहां पे. वेजिटेशन जो है वहां का एवरग्रीन है. ठीक है, सेमी एवरग्रीन यानी कि कुछ जगह पर सेमी एवरग्रीन भी है. ठीक है, ना ज्यादा ज्यादा डेंस भी नहीं और ज्यादा कम डेंसली भी नहीं. ठीक है, यानी कि मॉडरेट है वहां पर. अरिड रीजन भी यहां पर पाया जाता है. ठीक है, तो देख रहे हो आप सब वेरिएशन कितना है. एवरग्रीन वेजिटेशन है, सेमी एवरग्रीन है, अरिड है. ठीक है, एक्सेट्रा. वन फाइन ट्रीज लाइक पाव ब्राजील रबर मैंग महोगनी रोजवुड एंड वेराइटी ऑफ ऑर्चिड्स. ऑर्चिड्स यानी कि आप बोल सकते हो कि ऑर्चिड्स जैसा होता है ना कि आप एक पर्टिकुलर रीजन में बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स, या तो बोलते हैं ना कि आप फ्रूट्स के ऑर्चिड्स. ठीक है, अलग अलग टाइप के ऑर्चिड्स होते हैं. फ्रूट्स के ऑर्चिड्स हो सकते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स के ऑर्चिड्स हो सकते हैं. सो वहां क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के वहां पर प्लांट्स को ग्रो करके उसको मेंटेन किया जाता है. ठीक है, उसे उगाया जाता है वहां पर, स्पेशली वो बनाया जाता है ऑर्चिड्स. ठीक है, आप यहां पर देख सकते हो इमेजेस मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूं. अच्छा हाँ, यहां पर ये इमेजेस आप देख सकते हो. रोजवुड, ठीक है, दिस इज रोजवुड. ठीक है, वो एक पर्टिकुलर ट्री है, वो ट्री के स्टेम्स को काटकर चेयर्स वगैरह जो भी है, फर्नीचर्स वगैरह, फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स बनाया जाता है. ठीक है, महोगनी यहां पर है. ठीक है, सो ये आप देख सकते हो ट्रीज वगैरह वेजिटेशन की कितने यूजफुलनेस है बहुत सारे. ठीक है, आप फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स बना सकते हो. देन सिंस इट इज एवरग्रीन फॉरेस्ट, देयर इज अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज रिलीज इन द एनवायरमेंट. दिस हेल्प्स टू रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल. Therefore, this forest are rightly called as lungs of the world. ठीक है, ब्राजील में काफी ज्यादा वेजिटेशन होने की वजह से, काफी ज्यादा वेरिएशन होने की वजह से वहां का सबसे अच्छा प्लस पॉइंट और बेनिफिट जो है वो ये है कि ऑक्सीजन लेवल वहां पर काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड काफी ज्यादा कम हो जाता है. क्यों? बिकॉज प्लांट का सबसे एक यूनिक कैरेक्टर में से एक है कि प्लांट जो है वो क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है. और ऑक्सीजन के बदले वो एब्जॉर्ब क्या करता है, वो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है. सो यहां पर क्या होता है, जितने भी वेजिटेशन होते हैं, ठीक है, वेजिटेशन होने के वजह से पर्टिकुलर रीजन जो है वो ठंडा भी होता है. ठीक है, मॉइस्चर भी होता है उस पर्टिकुलर एयर में, और वहां पे ऑक्सीजन लेवल भी काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है. सो अगेन इट्स अ वेरी वेरी प्लस पॉइंट. ठीक है, इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर ब्राजीलियन. ठीक है, जिनके बिकॉज ऑफ वेजिटेशन वहां पर ऑक्सीजन बहुत ही अच्छा है और कार्बन डाइऑक्साइड काफी ज्यादा कम है. ठीक है, तो ये था हमारा ब्राजील का वेजिटेशन. ठीक है, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि रेनफॉल काफी अच्छा होने की वजह से, प्रेसिपिटेशन काफी अच्छा होने की वजह से वहां के वेजिटेशन हमेशा एवरग्रीन है. कुछ पर्टिकुलर एरिया में रेनफॉल कम होने की वजह से, जैसे रेन शैडो एरिया में, ठीक है, रेन कम होने की वजह से वहां पर डेंसली फॉरेस्ट है भी नहीं. कुछ ऐसे भी पर्टिकुलर रीजन है ब्राजील में. देन हमने देखे उनके अंदर वेरिएशंस काफी ज्यादा है. ठीक है, जिस जगह पर रेन अच्छा नहीं है वहां पर ग्रासेस, शॉर्ट स्क्रब्स एंड थॉर्नी वेजिटेशन है. जिन पर्टिकुलर एरिया पे रेन काफी ज्यादा है वहां एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने मिलेगा. वेराइटीज वेरिएशंस काफी ज्यादा है, एवरग्रीन वेजिटेशन है, सेमी एवरग्रीन है, अरिड रीजन है. ठीक है, सो आपने ये सारी चीजें देखी. और सबसे बेनिफिशियल वाला पॉइंट आपने ये भी देखा कि वहां पर सबसे ब्राजील में वेजिटेशन अच्छा होने के वजह से वहां पे ऑक्सीजन जो है वो काफी ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड काफी कम है.
ठीक है। तो ये था हमारा ब्राजील वेजिटेशन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंडियन वेजिटेशन और हम कंपेयर करने वाले हैं हमारे ब्राजील वेजिटेशन को इंडियन वेजिटेशन के साथ, ठीक है। आपको करना क्या है, इन सभी वेजिटेशन के बारे में जो ब्राजीलियन वेजिटेशन बोला है इनका आपको पॉइंट्स बनाना है, आपको इनके नोट्स बनाने हैं और आपका स्टडी आपको स्टार्ट करना है। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।